जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। भारत में सुबह हुई है और इस समय मैं अमेरिका के शिकागो में हूँ। रात के लगभग 11 बज चुके हैं। बाहर अंधेरा, खूब बारिश, बादल पूरी तरह गड़गड़ा रहे हैं और टेम्परेचर 15 डिग्री, इसीलिए स्वेटर पहन कर बैठी हुई हूँ। अब वापस मुद्दे पर आती हूँ, जिस मुद्दे पर सुबह सुबह मैं आप सबको जगाना चाहती हूँ। जाग तो चुके हैं पर पूरी तरह नहीं जागे हैं। अखबारें उठाइएगा, आपको एडीआर का सर्वे आया है। एडीआर मतलब एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो चुनाव और चुनाव में जो लोग उम्मीदवार होते हैं, उम्मीदवार जीत कर आते हैं, उनके ऊपर एक रिसर्च करके हमारे सामने एक जानकारी लाता है। एडीआर जानकारी लेकर आया, जिसके लिए आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में जीत हुई है उनकी और वो जीत आपको, जिन्होंने वोट दिया है खासतौर के, उनको मुबारक हो। खुशखबरी ये है कि आप हिंदुस्तान की जो 2019 को 23 मई को रिजल्ट आकर आपने जो पार्लियामेंट बनाई है उसमें 43% अपराधी क्रिमिनल आपने अपना एक वोट देकर पहुंचा दिए हैं, इसलिए आप सभी को मुबारक हो। पिछली बार की जो पार्लियामेंट थी 2014 में, आपने 34% अपराधियों को पहुंचाया था, कम रह गए थे कुछ। इस बार आपने वो कमी पूरी कर दी। इस बार आपने 43% अपराधियों को पहुंचा दिया। पिछली बार शायद कमी रह गई थी, कोई आतंकी रह गया था, बलात्कारियों को पहुंचा दिया पिछली बार हम लोगों ने, हत्यारों को पहुंचा दिया था हम लोगों ने, भ्रष्ट लोगों को पहुंचा दिया था हमने, गुंडे बदमाशों को पहुंचा दिया था, पर सिर्फ 34% 2014 में चुनकर पहुंचे थे। इस बार मुबारक आप सभी को, 10% और बताते हैं 26% बढ़ोतरी होकर कुल जो अब संसद में जो शपथ लेंगे उनकी संख्या 43% हो गई है। अब कौन से पार्टी के कितने क्रिमिनल, बलात्कारी, हत्यारे जो है और आतंकी पहुंचे हैं, उनमें भाजपा के 116 सांसद आपने चुनकर अपना एक कीमती वोट देकर इन्हें संसद पार्लियामेंट पहुंचा दिया। शपथ लेने वाले हैं, बधाई दीजिएगा, बधाई आपको भी कि 116 भाजपा के अपराधी पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के 29 सांसद पे आपराधिक मामले हैं, जेडीयू के 13 हैं, डीएमके टीएमसी के 9 हैं। तो इन सबको मिलाकर कुल जो है, जो एडीआर ने सर्वे किया है, 540 एडीआर के सर्वे सिर्फ 540 उम्मीदवारों पर हुआ, जिसमें से 233 जो हैं वो क्रिमिनल आपराधिक छवि के, बलात्कारी, हत्यारे, मर्डरर, अपहरणकर्ता और आतंकी हैं। मुबारक आप सभी को, और इसके साथ मैं मुबारक देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी देती हूं। 2014 के परिणाम से पहले वोट मांगते वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ कहा था, दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं, भूल गए थे, याद दिलाना चाहती हूं, सुनिएगा, आपको जरूर सुनाना चाहूंगी, मोदी जी को भी कहूंगी, देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मान है, लोकतंत्र ने आपको और आपके सांसदों को चुना है जी, उम्मीद करती हूं कैबिनेट मंत्री बनाइएगा, परवाह मत करिएगा, वो बलात्कारी है, वो आतंकी है, कितना उन्हें गृह मंत्रालय दीजिएगा, उन्हें अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो दीजिएगा। और आपका भाषण मोदी जी आप भी सुनिए और सबको सुना रही हूं, जरूर सुनिएगा, याद रखिएगा, ये अभी का भाषण नहीं है, 2014 का है, सुनिए। हमने तय किया है, जितने लोग विधानसभा में चुन करके आए हैं, जितने लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं, उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचनाएं की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा, और एक साल के भीतर भीतर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जो अपराधी है लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं वो जेल जाए, एक शुद्धि की शुरुआत हो जाए। एक वीडियो और है, वो भी दोबारा सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं आपसे दोबारा जुड़ूंगा। जब चुनाव का नतीजा आएगा, नई सरकार बनेगी, नई सरकार के बाद ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है
किस किस पर कौन कौन से गुनाह है जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा इन पे तत्काल केस चलाओ। और जो संजय गुनेगार है उनको जेल में डालो। पार्लियामेंट को साफ करो पहले। सुना आपने, देश के प्रधानमंत्री ये बात कब कही? 2014 के चुनावों से पहले वोट लेते वक्त कि मेरी सरकार बनती भाजपा के भी आपराधिक छवि वाला अगर कोई पोचा उसे मैं बख्शूंगा नहीं। इतना तगड़ा भाषण 2014 में था। साल के अंदर वायदा था कि अपराधियों के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चलाकर इन्हें सजाएं दिलवाऊंगा। कितने जेल गए शायद कोई याद हो तो बताइए, कोई नहीं। देश और भी महान निकला। और 2014 तो छोड़िए, 19 में अपराधी कम करने की बजाय अपराधी 26% बढ़कर 233 सांसद ऐसे पहुंच गए हैं जिन पे गंभीर क्रिमिनल अपराध हैं। मैंने पहले भी कहा आतंकी रह गए थे, वो भी इस बार कमी पूरी हो गई। 2009 में 30% अपराधी थे, 2014 की संसद में 34% अपराधी थे, क्रिमिनल्स थे, और 2019 में 43% मुबारक हो आपको। और मैं बिल्कुल आप लोगों को कहूंगी, प्रधानमंत्री मोदी जी शायद पिछली बार आप वायदे के बाद नहीं कर पाए, पर उम्मीद करती हूं इस बार आप करेंगे। आपकी कैबिनेट बनने वाली, अब देखने वाला है कि 233 सांसद जिन पे गंभीर आपराधिक क्रिमिनल मामले हैं, अब उनमें से कितने लोग आपकी कैबिनेट में आते हैं। वो इसलिए क्योंकि पिछली जो 2014 की संसद में, संसद के बाद आपने ये भाषण दिया था, 2014 में भाषण दिया, और आपने भाषण पे आप टिके नहीं रहे प्रधानमंत्री मोदी जी, और आपने अपने निहाल चंद जी भाजपा के सांसद बलात्कार के आरोपी को आपने मंत्री बना दिया था पहली बार कैबिनेट में, और बहुत हो हल्ला हुआ, दबाव हुआ, आपके यही भाषण आपको सुनाए गए, और आपने अपने मंत्री निहाल चंद को जो है जो राजस्थान से आते हैं उन्हें आपको हटाना पड़ा। अभी जब सांसद बन गए हैं तो लोग कहते हैं कि क्यों ना इन्हें कैबिनेट मंत्री भी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र से चुनकर आए हैं, अब सांसद बन गए तो कैबिनेट मंत्रालय मिलना चाहिए, बिल्कुल बनाइएगा, उम्मीद करते हैं। साध्वी प्रज्ञा जी, अब जी बोल रही हूं, सांसद हो गई है, भोपाल की सम्मानित माननीय सांसद है, कोई क्या हुआ, अगर आतंक की वो आरोपी है, 10 साल जेल काटी, बेल पर बाहर आई है, लेकिन भोपाल के लोगों को सलाम है, जिताया आपने, उतने भारी बहुमत से जिताया है आपने। मैं ये भी कहूंगी जिन जिन लोगों ने आदरणीय साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को, माननीय सांसद जी को वोट देकर जिताकर भेजा है, मैं कहूंगी एक एक तस्वीर, वो सब मतदाता जिन्होंने भोपाल में साध्वी प्रज्ञा जी को वोट दिया है उनकी तस्वीर घरों में लगा लीजिएगा, अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को कहिए ये हमारे नेता हैं जिसे हमने वोट देकर चुना, ये हमारे आदर्श हैं, इनके रास्ते पर चलिए, इनके रास्ते पर चलना, जो उन्होंने किया है वो आपको भी करना है। वो जेल 10 साल गई, बेल पर आई हैं, आतंक के आरोपी सब कुछ, उनको बोलिए यही आपके आदर्श हैं, क्योंकि हम नेता उसी को चुनते हैं ना जो हमारे हमारे बच्चों के लिए एक आदर्श हो, जिसे हम अपने बच्चे को कहीं से देखो, इसको सीखो, इनके पीछे इनके बताए रास्तों पर चलो, महात्मा गांधी मुर्दाबाद और नथुराम गोडसे जिंदाबाद करना है, यही तो कहा उन्होंने, देशभक्त थे नथुराम गोडसे, तो अपने बच्चों को पढ़ाना सिखा दीजिए कि नथुराम गोडसे देशभक्त थे क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी जी का अपनी गोलियों से सीना छन्नी किया था, और वही नथुराम गोडसे आपके द्वारा चुनी गई सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए देशभक्त हैं, उनके उनके माननीय हैं, उनके उनकी वो पूजा आरती करती है, तो अपने घर में दो तस्वीरें अब उम्मीद करती हूं लगा लेंगे। दूसरी एक और सांसद है माननीय बीएसपी के हैं, बहन जी मायावती जी ने टिकट दे दिया, बलात्कार का आरोप है, नाम है अतुल राय, बीएसपी उत्तर प्रदेश से हैं, बहन जी ने टिकट दे दिया, बलात्कार के आरोपी थे, नामांकन भरने आए तो सोचा पुलिस अरेस्ट कर लेगी, लेकिन पुलिस को बेचारी को पता ही नहीं चला कि कब बलात्कार का आरोपी जिसे उम्मीदवार बीएसपी ने बनाया है वो कब अपना नामांकन करके चला गया, बेचारी पुलिस बैठी रह गई और अपना उम्मीदवार नामांकन भर के फरार हो गए। पूरा चुनाव भर में प्रचार नहीं किया बीएसपी के अतुल राय ने, प्रचार ही नहीं किया, पुलिस से बचते फिरते रहे, लेकिन
सलाम उस जनता को जो उम्मीदवार बलात्कार का आरोपी था, जो पूरे चुनाव में वोट मांगने नहीं आया, उसे लाखों से भारी बहुमत से जिता दिया। सलाम है आप लोगों को। लगाइए उसकी भी तस्वीर आप अपने घरों में, माननीय सांसद जी की तस्वीर, और अपनी बेटियों को कहिए हमने एक बलात्कार के आरोपी को, जो फरार है पुलिस से, जो भागा फिर रहा है, जिसे बहन मायावती जी ने अपना उम्मीदवार बनाया और आपने वोट दे दिया है, अब वो पता नहीं कहां है क्योंकि वो तो प्रचार करने नहीं आया, आपने उसको फिर भी वोट देकर जिता दिया, उसमें उसकी क्या गलती है? शपथ लेने आएंगे पार्लियामेंट में या नहीं मालूम नहीं है, शपथ लेने आएंगे तो गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे पता नहीं है, लेकिन तस्वीर लगाइएगा, अपनी बेटियों को कहिएगा, जो बेटी बचाओ का नारा दिया, अगर निहाल चंद भाजपा से सांसद चुनकर पार्लियामेंट पहुंच सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, तो फिर अतुल राय में क्या कमी है? मुझे नहीं मालूम है, मैं इसलिए आप लोगों को गलत नहीं कह रही हूं जिन्होंने वोट देकर इन सबको, बलात्कारियों को, हत्यारों को, आतंकियों को चुना है, क्योंकि कहीं आपको बुरा ना लग जाए, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है, वोट देकर लोगों ने लोकतांत्रिक तरीकों से चुना, इसलिए बधाई आप लोगों को, आपको आतंकी मुबारक हो, आपको बलात्कारी मुबारक हो, आपको हत्यारे मुबारक हो, आपको बहुत मुबारक देती हूं। क्या पार्लियामेंट चुनी है आपने? 43% अपराधी, कमाल कर दिया भारत के लोकतंत्र ने। सलाम है, हम कुछ नहीं भूलेंगे। 2014 में बताते 112 पे बेहद गंभीर मामले थे, चार्जशीट थे, जेल काट के आए थे, जैसे साध्वी प्रज्ञा जी, आदरणीय साध्वी प्रज्ञा जी भोपाल की माननीय सांसद 10 साल जेल में रही, वैसे ही 112 सांसद जेल में चुनाव लड़े, लोकतांत्रिक तरीकों से जीते, और आज भी जो मोदी जी ने अपने भाषण में कहा, सुनवाया है आपको, वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि पूरे हिंदुस्तान में जिन लोगों ने इन्हें वोट किया है उन सबको हम इस ऐसी पार्लियामेंट के लिए धन्यवाद कर सकें कि अब अगर किसी की बेटी के साथ बलात्कार होता है, कम से कम उसे बोलने का हक नहीं होगा जिसने इस तरह के बलात्कारियों को वोट दिया है। अगर कहीं दंगे होते हैं, कहीं हत्याएं, मर्डर होता है, तो जिन लोगों ने ऐसे आतंकियों को चुना है जिनके ऊपर आरोप है, 10 साल जेल पर बेल पर आकर चुनाव पे टिकट देके जिताया है भोपाल वालों को, मैं कहूंगी खामोश रहिएगा, आवाज मत उठाइएगा, यही तो आप चाहते थे, वही तो आप चाहते थे, वही तो हो रहा है और वही होगा भी। क्या उम्मीद करेंगे ऐसी संसद से? लोगों ने कहा रिफॉर्म्स होने चाहिए, बदलाव होने चाहिए, मोदी जी ने भी खुद अच्छा भाषण 2014 में दिया था, रिफॉर्म्स होने चाहिए, अपराधियों को पार्लियामेंट में पहुंचने से रोकना चाहिए, कौन रोकेगा मेरे भाई, कौन रोकेगा? आप और मैं जो पार्लियामेंट के बाहर है वो रोकेंगे, या जो अंदर चले गए हैं वो कानून लाएंगे, इस देश के अंदर ऐसा कानून लाएंगे जिससे अपराधियों को पार्लियामेंट में जाने से रोक रहे? तो आपको लगता है जो अपराधी वहां पहुंच गया वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा? वो ऐसा कोई प्रस्ताव या कानून लाएगा जो ये कहे कि उस अपराधी को ही उठा के पार्लियामेंट से बाहर करके जेल डाल दो? अरे बेवकूफ समझा हुआ है, इतनी मुश्किल से तो बेचारे वहां पर पहुंचे हैं, अब आप सोचते हो 233 सांसद जो गंभीर क्रिमिनल अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, अपहरणकर्ता हैं, आतंकी हैं, वो पार्लियामेंट में कानून लाएंगे? बेवकूफ समझा हुआ है उनको आप लोगों ने कि ऐसा कानून ला के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के जेल चले जाएंगे? 112 थे, 2009 में 76 थे, 2014 में 112 हो गए, और अभी तो 233 अपराधी सांसद पार्लियामेंट में हैं। बहुत बहुत मुबारक आप सभी को, ये पार्लियामेंट लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी हुई पार्लियामेंट, इसीलिए आपसे सुबह जुड़ रही थी क्योंकि बहुत पहले लगा गुस्सा आएगा, क्या किया लोकतंत्र ने, किस तरीके के सांसदों को चुन लिया, ऐसे अगर सांसद चुनेंगे तो क्या देश में उम्मीद करेंगे आप? लेकिन मुझे लगा मैं अपना खून क्यों जुलाऊं, मैंने तो किसी आतंकी को अपना वोट नहीं दिया, मैंने तो किसी बलात्कारी को भी नहीं दिया, मैंने तो किसी हत्यारे को भी नहीं दिया अपना वोट। ये सोचना उनको होगा जिन्होंने ये वोट देकर इस देश के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। अब तो सिर्फ भगवान से दुआ करना बाकी है कि भगवान इस देश को, इस देश की बेटियों को, इस देश को आतंक की आग से बचा सके। किसी ने कहा, भक्त ने, कि ये जो चुनाव हुआ है उसमें वोट उम्मीदवारों को नहीं दिया, किसी ने सच कहा उसने, उम्मीदवारों को नहीं दिया है। बहुत से लोगों ने तो कहा हमने मोदी मोदी मोदी, हमने तो मोदी को देखकर एक मौका दिया है मोदी को, लेकिन उस एक मौके में मोदी की तरफ देखते देखते पता नहीं लगा कब भोपाल में एक आतंकी आरोपी का बटन दबाया है, कब निहाल चंद्र, अतुल राय जैसे बलात्कारी के आरोप जिन पे हैं उनको वोट डाला है।
कब हत्यारों को वोट आए उन्हें पता ही नहीं चला, इसलिए 233 सांसद जो है वो पार्लियामेंट में पहुंच गए, उनको बेचारों को पता नहीं चला, क्योंकि वो तो मोदी 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 जी की तरफ देख रहे थे। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि अगर बेटी के लिए रिश्ता देखने जाते हो तो दामाद देखने जाओगे या दामाद का बाप जो ससुर है उसे देखने जाओगे, बेटी का रिश्ता किससे करना है, ससुर से करना है या दामाद देखने जा रहे हो, लड़का देखोगे या ससुर देखोगे। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, कोई तर्क नहीं चलेगा यहां पर, तो अगर लड़की का भी रिश्ता करना है तो लड़का नहीं लड़के का बाप देखेंगे। तो लोगों ने यही किया है, अपना उम्मीदवार नहीं देखा, मोदी जी की तरफ देखा। अब आपका 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 जो दामाद है वो आपके बेटी के साथ या आपके साथ कैसा व्यवहार करता है क्या फर्क पड़ता है? आपने दामाद थोड़ा चुना था, या दामाद कहेगा मुझे थोड़ा आपने चुना था, मेरे बाप को चुना था। अगर वो आपकी बेटी को परेशान करता है, सुखी नहीं रखता है, तो आपको अभी आपका उम्मीदवार अगर आपके इलाके में नहीं आएगा, आपके काम नहीं करेगा, आपसे व्यवहार अच्छा नहीं करेगा, आपको दुखी परेशान करेगा, तो वो सही है, हकदार है कहने का आपका उम्मीदवार कि भाई साहब आपने मुझे थोड़ी ना वोट दिया था, आपने तो मोदी के नाम पर वोट दिया था, मैं तो अपना लुटिन दिल्ली का बंगला लेकर ऐशो आराम करूंगा, अपना डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज जो है उनको देश के अंदर, अब वो अपने अपराध जो उनके छोटे गुर्गे होंगे, वो तो बड़े अपराधी हैं, महान अपराधी है वो, तो अब उनके छोटे गुर्गे घूमेंगे किसी गांव गली में, धमकाएंगे किसी को, डराएंगे किसी को मारेंगे पीटेंगे, बेचारों की तो पुलिस में भी अब कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि माननीय विधायक माननीय नेताजी अब तो सांसद हो गए हैं, कौन सा थाना कौन सी पुलिस बेचारे गरीब की सुनेगी जब उनके गुर्गे और गुंडे जाकर किसी को सिर्फ एक छोटी सी लोकतंत्र में आवाज उठाने पर पीट डालेंगे। अब आप सोचिएगा, क्योंकि उनका तो बाप बैठा है ना पार्लियामेंट में और हमने बिठाया, अपना वोट देकर बिठाया है। बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। अमेरिका में बैठी हूं, सोचा है कि गर्व करूं देश के लोकतंत्र के ऊपर कि 99 करोड़ की जनता मतदाता थी, 99 करोड़, 60 करोड़ ने मत दिया, जिसमें से 22 करोड़ से ऊपर लोगों ने भाजपा को देकर 300 से ज्यादा सीटें दी और जिसमें से 233 क्रिमिनल को चुना। गर्व महसूस करूं यहां पर बैठकर या लोग जो मुझे वीडियो दिखा रहे हैं कि ये पार्लियामेंट है, ऐसे लोग चुने आपने, आतंक बलात्कारी वोट नहीं मांगने आए और फिर भी आपके लोकतंत्र में वोट उसको डाल दिया, 2-2 लाख 4-4 लाख से जीत गए, धन्य हैं आप, मुबारक आप सभी को। कुछ नहीं कर सकती, मैंडेट दे दिया 5 साल के लिए दे दिया है, अब बस भगवान से दुआ कर सकती हूं कि जिन्होंने इन्हें वोट नहीं दिया उनको भी अब भुगतना पड़ेगा, जिन्होंने इन बलात्कारियों को आतंकियों को हत्यारों को वोट नहीं दिया अब उन्हें भी भुगतना पड़ेगा, उनके लिए दुआएं करूंगी कि भगवान उनको बचाए, उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने इन लोगों को नहीं चुना है, जिन्होंने चुना है हिम्मत दिखाइए, लगाइए अपने घर पे बलात्कारी के आरोपी अतुल राय, बलात्कार के आरोपी निहाल चंद, बलात्कार की आरोपी सॉरी माफी चाहूंगी आतंक की आरोपी संज्ञा जो भी नाम है वट एवर, जिन्होंने वोट दिया है चुना है उनको पता होगा, लगाइए उनकी तस्वीर और अपने बच्चों को कोई आदर्श है, भगवान की तस्वीरें हटाइए, इनकी पूजा करिए, दिन रात पूजा करिए, इनका इतिहास बताइए, उनके इस रास्ते पर चलना सिखाइए, मुझे लगता है बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं करती हूं, 3,500 लोग इस समय मुझे लाइव देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। हिंदुस्तान की मिट्टी से जब दूर जाते हैं तो उस मिट्टी की ज्यादा चिंता होने लग जाती है, दूर से जब आईने के बहुत करीब जाएंगे ना तो आपको आईना आपकी चेहरा साफ नहीं दिखाता है, जब उस आईने से आप दूर हट जाएंगे तो आपको बहुत साफ तस्वीर दिखती है। आज हिंदुस्तान की अमेरिका में बैठ के मैं वही तस्वीर देख रही हूँ, वही संसद देख रही हूँ, बस डर इस तरह की, अगर ये सांसद भी बन तो गए, हमने बनाया, अब उन्हें अगर मंत्री भी बना दिया जाए तो कोई बड़ी बात कहाँ है। अब मोदी जी ने 2014 में कहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा, तुरंत सुनवाइयां होंगी, अपराधी बलात्कारी आतंक आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देकर पार्लियामेंट से बाहर करूंगा, 5 साल में तो नहीं किया, उम्मीद करते हैं अब करेंगे, लेकिन अब के चुनाव में तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, भगत मुझे बता रहे हैं, वो तो 2014 में कहा था, वो तो समय निकल गया, और ये तो लोकतंत्र है,
लोग हरा देते, लोगों ने नहीं हराया, लोगों ने वोट दिया। और मोदी जी ने इस बार तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कि आतंकियों को, बलात्कारियों को, सांसद जो बनकर आ गए हैं उनके केस फास्ट ट्रैक में चलाऊंगा और उनको अगर दोषी है तो सजा दिलवाऊंगा और निर्दोष जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाऊंगा, ये तो इस बार नहीं कहा। हाँ सही बात है, मोदी जी ने इस बार तो नहीं कहा था, 2014 में जरूर कहा था, लेकिन वो तो अब खत्म हो गया ना, वो तो सरकार ही चली गई, अब तो नई सरकार आ गई है, अब तो नए वायदे होंगे। मुबारक आप सभी को, बहुत 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 मुबारक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हमेशा अपने दिल के करीब रखती हूँ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके